अवेलेबल है तो जो कि बहुत हाई सीसी का बाइक है। तो फिलहाल प्राइस वगैरह क्या रहता है? 250, जो कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। मतलब बाइक लेके राइड करना बहुत ही मस्त लगेगा सो फिलहाल अभी चलते हैं दूसरे बाइक पे और इसका लुक कुछ देख सकते हो, ऐसा फुल एडवेंचर बाइक है आई थिंक। और इसका लुक्स देखो, ऑल ओवर नोटिस में सिर्फ एक ही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और भाई आज का एपिसोड पे मैं आया हूँ KTM के शोरूम पे। और गाइस कुछ नया नया बाइक्स लॉन्च हुआ है, जैसे कि RC 125 और एडवेंचर 250, जो कि मैं ठीक मेरे पीछे ये देख सकते हो। सो 390 भी है और मैं हूँ अभी फिलहाल 6 मिनट की KTM शोरूम पे। और यहाँ पे RC 8 भी जो है वो भी फिलहाल अवेलेबल है, तो जो कि बहुत हाई सीसी का बाइक है। तो फिलहाल प्राइस वगैरह क्या रहता है न्यू बाइक्स का और क्या नहीं है सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस फिलहाल स्टार्ट करते हैं Duke 125, बट वो शोरूम पे अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो उसका प्राइस फिलहाल गुवाहाटी में 1,87,000 तक लगभग आ ही जाता है। सो फिलहाल अभी चलते हैं दूसरे बाइक पे, Duke 200, जो कि अवेलेबल है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फिलहाल ये है Duke 200 और BS6 वर्जन है और ये ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में है फिलहाल। और भी मतलब इसका और एक कलर आता है वाइट कलर का, सो वो आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे फिलहाल स्टॉक पे रखे नहीं है अभी। और इसका लुक कुछ देख सकते हो ऐसा। सो गाइस बात करते हैं इसके प्राइस के ऊपर। सो गाइस जो Duke 200 है BS6 वर्जन, उसका प्राइस 2,05,000 के ऊपर पड़ जाता है भाई। सो ये ऑन रोड प्राइस मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज गुवाहाटी का ऑन रोड प्राइस यही है। एक शोरूम प्राइस और इंश्योरेंस वगैरह सब लगा के ऑन रोड प्राइस 2,05,000 Duke 200 BS6 मॉडल का। और गाइज ये वाला KTM 6 माइल के शोरूम पे है प्राइस लिस्ट, सो उसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ प्राइस लिस्ट देख के। सो फिलहाल अभी चलते हैं नेक्स्ट वेरियंट के ऊपर। सो गाइज अभी फिलहाल बात करते हैं Duke 250 के ऊपर। सो यहाँ पे एक लगा हुआ है बाहर में, आपको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में मिल जाएगा। सो ये Duke 250 BS6 मॉडल। और गाइस ये सब प्राइस वगैरह रहने वाला है आपका 2022 का प्राइस लिस्ट, जो कि नया है। और गाइस जो Duke 250 BS6 का मॉडल है उसका प्राइस 2,49,000 पर जाता है आपको ऑन रोड, गुवाहाटी का प्राइस है। सो गाइस जो Duke 390 है वो फिलहाल अभी स्टोर पे अवेलेबल, मतलब शोरूम पे अवेलेबल है नहीं तो फिलहाल दिखा नहीं सकता, बट उसका प्राइस आपको 3,18,000 पड़ जाता है आपका गुवाहाटी पे ऑन रोड प्राइस, Duke 319 BS6 मॉडल। इसी में KTM की तरफ से और एक 125 सेगमेंट में एक बाइक आता है जो कि फुल फेयरिंग बाइक है। सो वो है RC 125, जो कि न्यूली लॉन्च हुआ था और 2022 में ये कैसा रहा, कैसा लुक्स वगैरह न्यू पूरा चेंज हो गया भाई। मतलब 2021 में तो अलग ही आया था, बट 2022 में दिखाता हूँ आपको। सो इसका कुछ आगे का फेयरिंग देखो। सो गाइस ये था RC 125 और इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया भाई। यहाँ पे देख ही सकते हो लुक और सीट वगैरह। सो गाइस फिलहाल अभी बात करते हैं कि RC 125 का प्राइस क्या रहता है। सो गाइस जो कि 125 सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो RC 125 BS6 का मॉडल का प्राइस है 1,98,000। हाँ भाई आपने सही सुना, 1,98,000 में आपको ये पड़ता है 125 सीसी में। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया इसी सीसी इतना ही, मतलब 2 लाख में और भी आ सकता है, बट ना KTM है ना भाई, तो फिलहाल प्राइस तो ले गए। बस फिलहाल अभी बात करते हैं RC 200 के। तो आपको जो RC 125 है उसका डिज़ाइन पूरा RC 200 के पूरा सेम ही मिलेगा, बट आपको जो इंजन वगैरह है वो चेंज होगा। सो हेयर इज़ द RC 200। सो देख ही सकते हो भाई इसका लुक्स, कंपेयर करके देखो भाई पूरा सेम ही है RC 125 एंड RC 200। और इसका प्राइस आपको 2,30,000 पड़ जाएगा ऑन रोड पे गुवाहाटी पे।
सो RC 200 BS6 मॉडल 2022 का मॉडल है और इसका प्राइस आपको 2,30,000 पड़ जाता है। गाइस जो न्यूली एडवेंचर बाइक लॉन्च किया है जो कि KTM की तरफ से, तो वो है एडवेंचर 250 भाई। तो पहले एक आता था एडवेंचर 390, तो वो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे आई थिंक। तो फिलहाल अभी 250 आया जो कि टूरिंग के लिए बेस्ट है और ये एडवेंचर बाइक है। सो KTM का 250 यहाँ पे है और ये फुल एडवेंचर बाइक है। आई थिंक 390 से तो थोड़ा छोटा ही दिख रहा है बट एडवेंचर के लिए बहुत मस्त है। और इसका CC भी हाई है, 250 CC का है। सो लुक्स वगैरह पूरा 390 का जैसा ही है एडवेंचर। और गाइस एडवेंचर 250 का दाम है आपका 257। तो आई थिंक ये 390 से अगर आपका कम बजट है, अगर आपको टूरिंग वगैरह बाइक लेना है तो आप ले नहीं सकते बिकॉज 390 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप ये ले सकते हो एडवेंचर 250 जो कि फिलहाल में लॉन्च हुआ है। तो गाइस इसका जो बड़ा भाई है मतलब एडवेंचर 390, तो उसका बात करते हैं। उसका प्राइस मैं पहले बोल देता हूँ, तो उसका प्राइस आपको 360,000 पड़ता है। और उसका लुक्स वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस हेयर इज द KTM एडवेंचर 390। और गाइस फिलहाल ऑलमोस्ट सारा हो ही गया। और गाइस जो मतलब यहाँ पे और एक बाइक है जो कि RC 8 बोल के है, तो वो बहुत ही हाई CC का बाइक है, वो फिलहाल मिलता नहीं है। नोटिस में एक ही बाइक है जो कि KTM के 6 वर्ल्ड पे शोरूम पे रखा हुआ है और इंडिया में शायद 3 या 4 नंबर पे होगा। सो उसका लुक मैं एक बार दिखा देता हूँ, बट ये सेल के लिए नहीं है, ये बस रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो फिलहाल चेक कर लो उसका लुक्स वगैरह। और गाइस ये 1190 CC का है भाई और इसका लुक्स देखो, ऑल ओवर नोटिस में सिर्फ एक ही है जो कि 6 माइल शोरूम पे रखा हुआ है। और गाइस KTM शोरूम का जो प्राइस लिस्ट वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये KTM शोरूम का है 6 माइल का। सो यहाँ पे सारा प्राइस लिस्ट वगैरह लिखा हुआ है। एक बार फील लेके देखते हैं कि एडवेंचर 250 में कैसा फील आता है भाई। तो ये रहा एडवेंचर 250 जो कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, टूरिंग के लिए मस्त रहेगा। और यहाँ से देखो भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये वाला मतलब बाइक लेके राइड करना बहुत ही मस्त लगेगा भाई। सो 390 और ये भी मस्त है भाई, 390 के जैसा ये पूरा लुक सेम ही आता है, मस्त लगा ये वाला। सो अभी फिलहाल देखते हैं कि RC 200 में बैठ के कैसा सिस्टिंग पोस्चर है भाई। इसका थोड़ा एग्रेसिव है जो कि सीटिंग हाइट बहुत ही ज्यादा है ना, बट सस्पेंसेस में यार बहुत ही मस्त है और उतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब लुक वगैरह सब ठीक ही है भाई, साइड मिरर्स वगैरह सब ठीक ही है और एरोडायनेमिक सा लुक दे के रखा हुआ। और टर्न में इतना फील नहीं हो रहा है कि भाई आप झुक के चला रहे हो, बट इसका सस्पेंसेस वगैरह बहुत ही अच्छा लगा भाई। KTM का सस्पेंसेस याद देता ही है कुछ ऐसा। सो गाइज इतना ही था प्राइजेस वगैरह जो कि ये था 2022 का। और स्पेशली गाइज ये स्पेशली वीडियो था एडवेंचर 250 के ऊपर। तो फिलहाल ऑलमोस्ट RC वगैरह का सारा तो आप देख ही लिया प्राइस वगैरह क्या था क्या नहीं। और ये सब BS6 मॉडल से अवेलेबल है
मतलब 2022 का न्यू प्राइस जो आया है वो प्राइस मैं बोल रहा था। और ये आपका लोकेशन जो शोरूम का होगा वो 6 माइल KTM शोरूम में होगा। सो गाइस फिलहाल आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना हमारे चैनल के साथ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड ऑलवेज ड्रीम आई एंड फ्लाई हाई। अब तो आ रहा सबाज आ रही बरा करना इनकार बार बार देना।